जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे चैनल ग्रो टू सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत पहले आपने देखा हुआ था और बहुत पहले हम बचपन में देखते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल और टाइटल देख करके समझ आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं कोड़ी। मैं उस कोड़ी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कोड़ी समुद्र से उत्पन्न हुई है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। अर्थात कोड़ी और लक्ष्मी जी दोनों समुद्र की पुत्रियां हैं, अर्थात ये दोनों बहनें हैं। तो इस तरह से कोड़ी भी लक्ष्मी जी की बहनी हुई। पहले के ज़माने में दोस्तों पैसे के स्थान पर कोड़ी को बहुत शुभ माना जाता था, इसलिए पैसे के स्थान पर कोड़ी का ही उपयोग किया जाता था। कोड़ी ही चला करती थी, कोड़ियों से ही मोल भाव हुआ करते थे। प्राचीन समय में धीरे धीरे कोड़ी का चलन बंद होता चला गया और अब नए जमाने में तो रुपये पैसे का चलन आ गया। लेकिन कोड़ी आज भी उतनी ही ज़्यादा पवित्र है जितनी पहले मानी जाती थी, क्योंकि ये निकली है समुद्र में से और उसमें लक्ष्मी जी का अंश है। तो दोस्तों, अब सिक्के चलने लग गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि कोड़ियों के उपाय हैं और इससे आपके घर में पैसे की आवक होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसा आएगा। यदि कर्ज नहीं है, कर्ज आपने ले रखा है तो आप चुकाएंगे, और यदि आपने कर्ज दे रखा है तो आपका कर्जा वापस आ जाएगा, और यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस भरपूर रूप से चलेगा, आप में उसमें बिजनेस में उन्नति होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे। जितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे, जितना ज़्यादा सामान बिकेगा, उतनी ज़्यादा लक्ष्मी की आवक होगी। तो दोस्तों, ऐसे मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि कोड़ियों से होते हैं। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें, या फिर आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए, और शेयर कीजिए दोस्तों को जय साधे वीडियो को। चलिए अब उपाय सुनते हैं। तो उपाय में सबसे पहले आपको 7 कोड़ियाँ लेनी है। अब कोड़ी कौन सी होती है? कोड़ी आपको पीली लेनी है, तो 7 पीली कोड़ियाँ आपको लेनी है और इस स्थान पर रख देनी है। अब आपको कहाँ रखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपकी किस्मत दोस्तों इस उपाय को करने से पूरी तरह से बदल जाएगी। जहाँ आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, वहाँ आपको 1000-1010000 रुपये मिलने लग जाएंगे। कोड़ी बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, इसके माध्यम से आज कई लोग धनवान हो गए हैं। या आप जितने भी धनवान लोगों को देखते हो ना, ये सब कोड़ियों का प्रयोग करते हैं अपनी तिजोरियों में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जिन्हें एक भी वक्त का खाना नहीं मिलता था ना दोस्तों, मतलब जिनको खाने भी दुर्भर था, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खाना भी खा पाएँ एक वक्त का, आज वो भरपेट खा रहे हैं और आज उनका करोड़ों का बिजनेस है। हमें इस कोड़ी का प्रयोग करना आना चाहिए। पुराने ज़माने में तो कोड़ियों का प्रयोग बहुत होता था, लेकिन हम भूल गए ये सब प्रयोग करना, हम नए ज़माने के हो गए हैं। इसलिए चैनल के माध्यम से हम आपको इस तरह के प्रयोग बताते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कोड़ी का प्रयोग ही बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। आपको पीले रंग की एक कोड़ी लेनी है और उसे पीले कलर के धागे में लपेट कर झाड़ू से बांध देना है। आपको क्या करना है, पीले कलर की एक कोड़ी लो और उसको पीले धागे में बांधो, और पीले धागे में बांध करके आप जिस अपने घर का झाड़ू होता है उसमें बांध देना है। दोस्तों, घर का जो झाड़ू होता है वो भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। झाड़ू के हम कभी ठोकर नहीं मारते, क्योंकि वह लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो उस झाड़ू में आपको पीले धागे में बांध के उस कोड़ी को बांध देना है। अब उस झाड़ू से जब आप घर में जिस भी कोने में झाड़ू लगाएंगे तो वहाँ पर बरकत होगी, माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। वहाँ पे हर आंगन में या कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी आप उस झाड़ू का प्रयोग करेंगे तो वहाँ धीरे 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 पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और लक्ष्मी जी का वास होता चला जाएगा। आपको ये उपाय करना है। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ कोड़ी का। इसमें 3 कोड़ी की माला बनाकर, यानी आपको 3 कोड़ी की माला बनानी है और 3 कोड़ी की माला बनाकर आपको गौ माता को पहना देनी है। गौ माता को पहनाते टाइम आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, चाहे वो कोई सी भी मनोकामना हो। मनोकामना बोलकर आपको वो गौ माता तुरंत ही फल प्रदान करेगी, क्योंकि गौ में भी लक्ष्मी का वास है। और आप उनको कोड़ी की माला पहना देंगे तो
उससे गौ माता प्रसन्न होती है और आपको वरदान देती है मन मांगा। आपको एक और उपाय मैं बताता हूँ कोड़ी का, ये भी तीन कोड़ी का ही उपाय है। आपको तीन कोड़ी को लाल कपड़े में बांध देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लाल कपड़े लेना है और लाल कपड़े में तीन कोड़ी को रख देना है और उसमें बांध देना है, और आप किसी छोटे से बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा परमात्मा का प्रतीक होता है, आपकी हर मनोकामना ऐसा करने से पूरी हो जाएगी। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करें, लाल चुनरी लें, माता जी की जो चुनरी होती है उसे लें, उसमें कोड़ी को बांध कर तुलसी माता के गमले के नीचे रखते हैं, तुलसी जी के नीचे उस कोड़ी को रख दें लाल कपड़े में बांध करके। आपके घर में धन बरसने लग जाएगा, माँ तुलसी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। आपको जहाँ आप धन रखते हैं, आपकी तिजोरी जहाँ रहती है, वहाँ आपको पीली कोड़ी रख देनी है। इससे भी आपके घर में बरकत होगी और बहुत ज़्यादा धन बरसने लगेगा, आपकी गरीबी दूर होती चली जाएगी। सात कोड़ी की माला बनाकर, ये अगला उपाय है दोस्तों, इसमें आपको सात कोड़ी की माला बनानी है और पीपल के पक्ष पर चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है। अब ये कब चढ़ाना है, सुबह के समय 12 बजे बाद ये काम नहीं करना है। दिन के 12 बजे बाद आपको काम नहीं करना है दोपहर में, ये आपको काम करना है सुबह। सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक आप इसके बीच में आपको सात कोड़ी की माला बनानी है। आप सात कोड़ी में आप सात कांटे जरूर लगा देना, ताकि कोड़ी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इस तरह की कांटे आपको लगानी कि कोड़ी जो है वो एक धागे में हिल भी नहीं पाए। ऐसी किठान लगा करके सात कोड़ी की माला आपको पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देनी है। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब वो आपको कैसे भी हो सकती है, अनायास ही, चाहे आपकी लॉटरी लग जाए, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, या आपके बिजनेस में बड़े बदलाव आ जाएं, बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा चलने लगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी कोई ना कोई जरिया धन का वो खुलेगा। तो ये जो दोस्तों उपाय थे, ये कोड़ी के थे। कोड़ी को मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए हमें। कोड़ी पुराने ज़माने में भी धन के रूप में ही काम आती थी, वस्तु विनिमय कोड़ी से ही होता था पहले के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में सिक्कों का और नोटों का ज़माना है, तो वो कोड़ी का अभी काम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये काम अवश्य करना है, कोड़ी का उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, यदि आप में भक्ति है और आप भी भक्त हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे कृष्ण, बागेश्वर महाराज या फिर जय बालाजी महाराज जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसा लिखने से आपके मन में सकारात्मकता उत्पन्न होती है, नकारात्मकता का नाश होता है। और जब हमारे शरीर में नकारात्मकता खत्म होती है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे शरीर में एक ऑरा जनरेट हो जाता है, उस ऑरे से ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस तरह की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।